तो हे गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप लोग सब मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके में एक शॉपसी में कैश ऑन डिलीवरी बंद है, मतलब अनेबल है, उसे आप ओपन किस तरीके से कर सकते हैं। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को आप ख़रीदते हैं तो वो आपको कैश ऑन डिलीवरी नहीं मिल पाता। तो क्यों नहीं मिल पाता, आज आप इस वीडियो में जो है इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए, आज की वीडियो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो और भी आगे आपको देखने को मिलती रहे। तो देखिए, मैं आ चुका हूँ अपने शॉपसी एप्लीकेशन पे। यहाँ आने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस जो है रहता है, ओपन होता है। अब यहाँ से हम किसी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे आपको बताने के लिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से जो है समझ पर आ। तो यहाँ से देख सकते हैं, मैंने इस वॉच को सिलेक्ट किया, मतलब इसको मेरे को लेना है, बाय नाउ करना है। लेकिन मैं कैश ऑन डिलीवरी इसको ना ले पाऊँ यदि मेरे में हो तो आप उससे कुछ नहीं है, आपको मैं बताऊँगा कि आप कैश ऑन डिलीवरी किस तरीके से ऑन कर सकते हैं। तो देखिए, सिंपल सा जो क्या है, आपको इस प्रोडक्ट को लेना है और आपके में कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, तो आपको इसको नीचे आना है। सिंपल सा नीचे आने का, देखिए एक ऑप्शन आपको मिलेगा सेलर का, यहाँ पर देखिए नाम लिखा रहता है सोल्ड टू बाय करके, ये लिखा देखिए सेलर का यहाँ नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इससे कांटेक्ट करना है, क्या है प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट की जानकारी, प्रोडक्ट को ओपन करना बंद करना सब पूरा जो है सेलर के हाथ पे ही रहता है। तो सिंपल सा आपको पहले सेलर से कांटेक्ट करना है, यदि आपसे कांटेक्ट करते नहीं आता तो मैंने इस टॉपिक पर जो है वीडियो अपलोड की है, आप वहाँ से देख कर सकते हैं। यहाँ से कॉन्टैक्ट करने के बाद दोस्तों देखें, आपको थोड़ा सा और नीचे आना है, यहाँ एक फीडबैक वाला ऑप्शन आपको मिलता है, ये देखिए क्वेश्चन एंड आंसर वाला, तो आपको इसको फीडबैक भी देना है। फीडबैक जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, फीडबैक हमारा डायरेक्टली सेलर पढ़ता है और उसे मतलब कोई सॉल्व करता है। तो इसलिए आपको पहले यहाँ फीडबैक देना है, फीडबैक पे आपको लिखना है अपने प्रोडक्ट का नाम, पिन कोड और प्रॉब्लम लिखना कि ये हमारे में कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। इतना लिखने के बाद आपको जो है सबमिट वाले आइकन अपने जो फीडबैक है सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद दोस्तों, इतना करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद देखिए एक ऑप्शन आपको यहाँ दिखेगा अकाउंट वाला, अकाउंट करके ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपल से इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ देखिए इस तरीके का इंटरफेस रहेगा, तो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ देखिए एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ एक ऑप्शन आप तो देखिए आपको यहाँ कॉन्टैक्ट अस वाले आइकन में क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपकी देखिए जो है आपको जो है शॉपसी कस्टमर केयर में एक बार कॉल करना है। क्यों, कॉल करने से हमारा जो है फीडबैक उनके पास तो चला गया है, कॉल करने से हमारी रिक्वेस्ट और आगे तक जाएगी, तो वो आपकी जो है पकड़ना पड़ता है। ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है, इसलिए आपको यहाँ से कॉन्टैक्ट भी करना है इसको शॉपसी कस्टमर केयर में। यदि आपसे कॉन्टैक्ट नहीं आता तो मैंने इसकी भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है, आप वहां से देखकर जो है शॉपसी कस्टमर केयर से कॉल कर सकते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों, आपको एक से मतलब 12 से 24 घंटों का वेट करना है। इतना वेट करने के बाद आपका जो है जो भी प्रोडक्ट आपने अपना फीडबैक दिया है और जो भी प्रॉब्लम है आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये 100% में ये वर्किंग ट्रिक है, ये मैंने भी अपनी यूज की है और इसलिए मैं आज आपको इस ट्रिक के बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए, इस तरीके से आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी में और बिना किसी ऑनलाइन पेमेंट किए हुए। तो आई होप जो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता था वो आपको अच्छे तरीके से समझ पर आया होगा। यदि आया हो तो इस वीडियो को जो है भाइयों लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो और भी आगे आपको देखने को मिलती रहे। यदि दोस्तों आपने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ मेरे से आप कोई भी सवाल पूछते हैं तो मैं उसका आंसर आपको वहीं दे देता हूँ और उस पर वीडियो बनाने की भी कोशिश करता हूँ। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।